मैं कविता शर्मा जोधपुर से लिखने पढ़ने का शौक रखती हूँ और कभी कभार प्रकाशित भी होती हूँ। सबसे पहले जन सरोकार मंच का हार्दिक धन्यवाद, देवेंद्र जी जोशी का भी, जिन्होंने एक अच्छा मंच प्रदान किया। प्रस्तुत करती हूँ कुछ कविताएं। सबसे पहले पसंदीदा विषय स्त्री विमर्श, एक छोटी सी तुकबंदी। रौंदो मत, कुरेदो मत, धकेलो मत, कुचलो मत, रुलाओ मत, जलाओ मत, बस जीने दो। इसी श्रृंखला में मेरी दूसरी कविता आजकल। मैं आजकल कुछ नहीं लिखती क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मर्माहत हों, इसलिए मेरी लेखनी प्रस्तुत नहीं करती कहानी, कविताएं, लेख, निबंध। मगर सभी को शिकायत है, मैं क्यों नहीं लिखती, किस पर लिखूं? मैंने तय कर लिया है, मैं नहीं लिखूंगी ऊर्ध्वगामी कीमतों पर, मैं नहीं लिखूंगी किसी विवाद पर, चौंकाने वाले चुनाव परिणामों पर और सत्ता परिवर्तन पर। मैं आजकल ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि मैं नहीं चाहती वे सुनकर व्यथित हों, इसलिए मेरी जीवा उत्पन्न नहीं करती चटकारेदार भाषण, व्यवस्था के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध। मैंने तय कर लिया है, मैं नहीं करूंगी चर्चा किसी पुरस्कार पर, किसी वस्तु के आयात निर्यात पर। आजकल सभी को शिकायत है, मैं कुछ नहीं सुनती, क्या सुनूं? सोनागाछी की ताज़ा स्थिति के बारे में, थाईलैंड के बारे में। मुझे भय है फट न जाए मेरी नसें अवसाद से। इन दिनों मैं देखना चाहती हूँ कुछ लुभावने दृश्य, मुझे खो जाने दो कुछ क्षण अपने आप में। मैं चाहती हूँ लिखना स्वयं पर, बोलना स्वयं पर। प्रस्तुत है कुछ अन्य कविताएं। शीर्षक है बहाव। आहटे पहुंच गई ऊंचाई को, मगर खामोशी न पार कर पाई अपनी ही खाई को। फूल खिलते रहे शाख पर, वह तो चमन बन गया, शूल चुभते रहे कांटों के, खुद उनका अमन भी गया। अंधेरा भटकता रहा आहों में, उजाले आ गए सड़कों की राहों में। अप्सराएं ढूंढती रही हौसला, हौसले की तमन्ना में मात खा गई। धरती की नारियां कुछ कर गुजरने की तमन्ना पा गई। एक और कविता इंसान। इंसान से बढ़कर कोई हवा नहीं होता, भावनाओं की दाल और विचारों की रोटी खाता है, अपने ही जज्बात चबाता है। एक कविता युवा साथियों के नाम। हौसला पैदा करो उड़ने का, हौसला पैदा करो उड़ने का, आसमां खुद ब खुद झुक जाएगा। चलने की तमन्ना तो करो, काफिला साथ होता जाएगा। आरजू कर पानी में उतरने की है, आरजू कर पानी में उतरने की है, समंदर का सीना स्वतः ही फट जाएगा। एक और कविता ताज। ताज, तुमने छीनी शाहजहां से मुमताज। ताज, तुमने छीनी शाहजहां से मुमताज, इस दुनिया में बने न सुंदर मजार तुम्हारे जैसी ताकि, बिछड़े न किसी बादशाह से उसकी प्रेय से।